दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टारगेट सिविल सर्विसेज जय हो। दोस्तों आज हम वायु शक्ति के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत डुहेट जो कि इटली का विचारक था, इसके अतिरिक्त और मिचेल्स और सेवरेस्की के सिद्धांत पढ़ेंगे जो अमेरिका के विचारक थे। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि वायु शक्ति है क्या। देखिए वायु जब वायुयानों का विकास नहीं हुआ था, युद्ध में जब तक वायुयानों का प्रयोग नहीं हो रहा था, तब तक युद्ध कैसे लड़े जाते थे? थल के द्वारा, जल के द्वारा, ठीक है, घोड़े घुड़सवारी करके, है ना, और अन्य जो साधन थे उससे। लेकिन उनकी कुछ सीमाएं थीं, धरती पर हर जगह नहीं जाया जा सकता था, पर्वत, खाइयां, पठार, जल सीमा, ये सब चीज़ें रोक देती थीं, युद्ध को बहुत लंबा खींचती थीं, ठीक है, युद्ध समग्र नहीं हो पाता था और कई देश सुरक्षित रहते थे अपनी सीमाओं के कारण। लेकिन वायुयानों के युद्ध में प्रवेश के बाद ये स्थिति बदल गई, ये सीमाएं समाप्त हो गईं। अब कोई भी देश वायु शक्ति का विकास करके कहीं भी युद्ध लड़ सकता था और विजयी हो सकता था। तो वायु शक्ति क्या है देखते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआत से ही युद्ध वैमानिकी युग में प्रवेश कर गया, अर्थात विमानों का युद्ध में प्रयोग होने लगा। अब युद्ध त्रिदशात्मक हो गया, अर्थात जल थल के साथ अब आकाश में भी युद्ध लड़ा जाने लगा। वायुयान अतुलनीय क्षमता के यंत्र हैं, अतः इनके आ जाने से युद्ध की हर विधा में परिवर्तन होगा। परिवर्तन के क्रम में युद्ध समग्र हो गया, अर्थात युद्ध में अब सैनिक और असैनिक का भेद नहीं रहा, अर्थात नागरिक और सैनिक भेद समाप्त हो गया। विमान विध्वंसक क्षमता वाले यंत्र हैं, इसलिए अब सब कुछ युद्ध के गर्भ में समा जाएगा। विमानों की एकमात्र स्ट्रेटजी यही होगी कि बमबारी करके सब कुछ स्वाहा कर दो, भीषण बमबारी करो और सब कुछ नष्ट कर दो। विमानों के विरुद्ध कोई प्रतिरक्षा संभव नहीं होगी, इसलिए एक बार आकाश पर नियंत्रण स्थापित हो जाने पर युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में होगा। देखिए ये जो विचार हैं, जो तीनों विचारक हैं, उस समय के हैं जब मिसाइल्स का आविष्कार नहीं हुआ था। आज तो हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वायुयानों को कहीं भी ध्वस्त कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उस समय नहीं था। इसलिए उन विचारकों का मानना था ये कि विमानों के विरुद्ध कोई प्रतिरक्षा संभव नहीं है, इसलिए यदि एक बार आकाश पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए तो युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में होगा। क्योंकि जब हम आकाश पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे तो शत्रु को उड़ने का मौका ही नहीं देंगे। यदि शत्रु के पास विमान है, विमान शक्ति है भी, तो हम उसको उड़ने का मौका ही नहीं देंगे, उसको नष्ट कर देंगे। वायु आक्रमण के माध्यम से जनघनत्व के केंद्रों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों का विनाश करके दुश्मन का मानसिक विघटन किया जा सकता है। इन विचारकों ने, खासकर डुहेट और मिचेल्स ने, युद्ध वायु शक्ति वायु युद्ध लड़ने पर बल नहीं दिया। इनका कहना था कि वायु युद्ध लड़ने की बजाय दुश्मन के जनघनत्व के जो केंद्र हैं, जनघनत्व तो जहाँ ज़्यादा है, जनता जहाँ ज़्यादा रहती है नगरीय क्षेत्रों में, और औद्योगिक प्रतिष्ठान जो हैं, खासकर कल कारखाने जहाँ पर यौद्धिक सामानों का, अस्त्र शस्त्र का जो निर्माण होता है, उनको अगर विनाश कर दिया जाए तो दुश्मन का मानसिक विघटन किया जा सकता है, मानसिक रूप से युद्ध में जीत हासिल की जा सकती है, इस तरह युद्ध से घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। अतः अब युद्ध छोटे समय अंतराल के होने लगे, अर्थात ये युद्ध वायु शक्ति का सिद्धांत में ये सारी बातें आएंगी। तो विमानों की इसी अतुलनीय क्षमता को देखते हुए तीनों विचारक नव प्रभुत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि ये तीनों का मानना है कि अब वायु शक्ति का विकास के बिना न तो कोई देश अपनी सुरक्षा कर सकता है और न ही विजय हासिल कर सकता है। डुहेट के बारे में, डुहेट 1869 में इटली में जन्मे थे, ये इटली में ही तोपखाना में अधिकारी थे। इनकी पुस्तक कमांड प्रो एयरफोर्स थी, जिसमें इन्होंने नव प्रभुत्व का सिद्धांत दिया था जो कि हमको पढ़ना है। नव प्रभुत्व के सिद्धांत इन्होंने बताया कि वायुयानों के आ जाने से युद्ध त्रिदशात्मक हो गया, अर्थात जल थल और वायु तीनों मार्गों से युद्ध होने लगा। ये अतुलनीय क्षमता वाले यंत्र हैं, इनके आ जाने से अब सब कुछ युद्ध के उदर में समा जाएगा।
नागरिक और ना, और अ ना, जो नागरिक और सैन्य है उनके बीच भेद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब बम गिराएगा वायुयान तो ये नहीं देखेगा नागरिक के ऊपर गिर रहा है या सेना के ऊपर गिर रहा है, नगर में गिर रहा है कि सैनिक प्रतिष्ठानों में गिर रहा है। तो युद्ध इस तरह समग्र हो गया। युद्ध छोटे समय अंतराल के होने लगेंगे, ठीक है। अतः अब न प्रभुत्व स्थापित किए बिना कोई देश सुरक्षा और अपनी जीत की कल्पना तक नहीं कर सकता है। न प्रभुत्व कैसे स्थापित किया जाए, इसके लिए इसने पांच सिद्धांत दिए। कौन कौन से? वायु नियंत्रण का सिद्धांत, वायु आक्रमण का लक्ष्य क्या हो, वायु आक्रमण की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वायु शक्ति का संगठन कैसा हो, और तीनों सेनाओं में समन्वय का सिद्धांत। तो वायु नियंत्रण का सिद्धांत क्या था? स्वयं उड़ना, दुश्मन को उड़ने न देना ही वायु नियंत्रण है, अर्थात दुश्मन उड़े उससे पहले ही उस पर प्रहार करना, अर्थात न प्रभुत्व स्थापित कर लेना, आकाश में नियंत्रण स्थापित हो जाएगा तो शत्रु को उड़ने का मौका ही न दो, उस पर इतना भीषण बमबारी करो कि सब कुछ नष्ट कर दो। अतः इस तरह प्रथम प्रहार ही अंतिम प्रहार साबित होगा, क्योंकि वायुयानों के विरुद्ध प्रतिरक्षा संभव ही नहीं है। वायु आक्रमण का लक्ष्य क्या हो, इसके बारे में क्या कहना है इनका? वायु आक्रमण का लक्ष्य जन घनत्व का केंद्र या औद्योगिक प्रतिष्ठान, कल कारखाने होने चाहिए, क्योंकि इनके विनाश से दुश्मन राष्ट्र का मानसिक विघटन हो जाएगा, मनोबल उसका टूट जाएगा, अतः वह आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो जाएगा, युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाएगा, हमको विजय प्राप्त हो जाएगी। वायु आक्रमण की स्ट्रेटजी क्या हो, इनके अनुसार वायु आक्रमण करके सब कुछ स्वाहा कर देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने तीन प्रकार के बमों की बात की। लक्ष्य भेदी बम गिराने चाहिए, लक्ष्य को भेद करके, फिर अग्निवर्षा बम, सब कुछ जला कर खाक कर देना होगा, ठीक है, जो लक्ष्य को जला देगा। अंत में रासायनिक बम गिराना चाहिए, जो रासायनिक बम गिराकर किसको मारना चाहिए, उन लोगों को मारना चाहिए जो आग बुझाने आए। इस तरह देखा जाए दोस्तों, तो ड्यूहेट का ये सिद्धांत जो है, जो उसकी स्ट्रेटजी थी, वो तो अमानवीय थी, क्योंकि रासायनिक बम जो है अमानवीय है ना। वायु आक्रमण का परिमाण, इसने वायु आक्रमण में जो है गिराई गई, इसने वायु आक्रमण का सिद्धांत का जो है बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया। इसका कहना था कि विनाश जो होता है युद्ध में, वो गिराई गई युद्धक सामग्री के समानुपाती होता है, अर्थात जितनी ज़्यादा युद्धक सामग्री गिराई जाएगी उतना ही विनाश होगा। यदि 20 टन युद्धक सामग्री गिरा दी जाए तो 250 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र नष्ट किया जा सकता है, ये इसका आकलन था। वायु शक्ति का संगठन कैसा हो, इसके अनुसार वायु शक्ति के संगठन के अंतर्गत तीन प्रकार के विमान होने चाहिए, बॉम्बर, फाइटर और नागरिक विमान। नागरिक विमानों को पूरक के रूप में रखना चाहिए, इसका कहना था कि नागरिक विमानों को इस तरह संगठित करना चाहिए कि युद्ध की जब स्थिति हो तो इसका उपयोग सैन्य विमानन के रूप में किया जा सके। तो और इसके अलावा इसने मध्यम गति वाले विमानों की बात की, ठीक है। तीनों सेनाओं में समन्वय, दुहेट ने कहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधीन एक राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन का विकास किया जाना चाहिए। इसके अनुसार अभी तक जल, थल और वायु सिद्धांतों का अलग अलग प्रतिपादन हुआ है, अलग अलग रूलिंग हुई है, जबकि इनके एकीकरण और समन्वित प्रयोग द्वारा समग्र युद्ध के सिद्धांत की स्थापना की जा सकती है। अगर इनका एक साथ उपयोग किया जाए तो युद्ध को जल्दी समाप्त किया जा सकता है, समग्र युद्ध का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो लागू किया जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि तीनों सेनाओं का एकीकरण किया जाए, किंतु इसमें वायुसेना को प्रमुख भूमिका दी जाए। इसका कहना था जब तक वायु शक्ति जल और थल सेना के अधीन रहेगी तब तक न प्रभुत्व का दर्शन लागू नहीं हो सकता है। यद्यपि न प्रभुत्व वायुसेना का स्वतंत्र कार्य है, लेकिन अन्य सेनाओं की भी कुछ स्ट्रेटजी भूमिकाएं होंगी, अतः तीनों सेनाओं में समन्वय होना चाहिए, लेकिन वायुसेना की स्वतंत्र कमान बनी रहनी चाहिए। इसके सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और ब्रिटेन दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध वायु शक्ति का प्रयोग करके जनता का मनोबल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। द्वितीय विश्व युद्ध में ही विमानों का प्रयोग होने के बावजूद युद्ध छोटे समय अंतराल का नहीं हो पाया, यह 5 वर्षों तक चला था, तो यहां भी इनका सिद्धांत गलत साबित हुआ। न प्रभुत्व का सिद्धांत अनैतिक है, क्योंकि रासायनिक बमों का प्रयोग मानवता के विरुद्ध है। बहुउद्देशी और मध्यम गति वाले विमानों की बात करके स्ट्रेटजिक अपरिपक्वता का परिचय दिया, ठीक है,
अर्थात जो है इतने नागरिक विमानों को सेना सैनिक विमान में यूज करने की जो बात कही, इसको लोगों ने स्ट्रेटजिक अपरिपक्वता कहा। इसके अलावा मध्यम गति विमानों की बात की, इसको भी लोगों ने अपरिपक्वता कहा। लेकिन इनके सिद्धांत का महत्व क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में डुहेट के नप्रभुत्व के सिद्धांत को काफी लोकप्रियता हासिल हुई, लोगों ने इसके नप्रभुत्व सिद्धांत को लागू किया, ब्रिटेन ने भी लागू किया और जर्मनी ने भी लागू किया। आज भी कोई देश बिना वायु शक्ति के छोटे से छोटा युद्ध नहीं जीत सकता। जैसे कारगिल युद्ध में भारत ने अगर युद्ध जीता तो उसमें जो रीजन था वायु शक्ति का प्रयोग था। यही कारण है कि जब कोई देश अपनी सैन्य शक्ति का आकलन करता है तो सर्वाधिक महत्व वायु शक्ति को ही देता है। आज भी भारत यदि राफेल विमान खरीद रहा है फ्रांस से इतनी बड़ी मात्रा में, इतने इतने बड़े बड़े सौदे हो रहे हैं, तो इसका कारण है अपनी वायु शक्ति को महत्व दे रहा है। यह बात सही है कि डुहेट का सिद्धांत अपेक्षाकृत कम व्यवहारिक है, किंतु डुहेट वायु शक्ति के पहले विचारक थे। इनके सामने वायु शक्ति का कोई उदाहरण मौजूद नहीं था, अतः हमें इनके सिद्धांत की समीक्षा करते समय व्यवहारिकता के स्थान पर या ज्यादा मौलिक व्यवहारिकता के स्थान पर या व्यवहारिकता से ज्यादा मौलिकता को महत्व देना चाहिए। इनका सिद्धांत बहुत मौलिक था, शुरुआती था। वायु शक्ति के महत्व को इन्होंने इंगित किया, भले ही आज के समय में वो कुछ चीजें प्रासंगिक नहीं हैं, लेकिन उस समय को देखते हुए जब उन्होंने ये सिद्धांत दिया था उसके महत्व को हम नकार नहीं सकते हैं। इनके सिद्धांत कमियों के स्थान पर वायु शक्ति के महत्व को देखना चाहिए। अतः हम यही कहेंगे कि डुहेट को स्ट्रेटजिक रूप से अपरिपक्व बताने वाले आलोचक स्वयं अपरिपक्व हैं। डुहेट के इस नप्रभुत सिद्धांत की अगर ये कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि डुहेट के नप्रभुत का सिद्धांत जो है या नप्रभुत का सिद्धांत का कोई उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में दीजिए, ठीक है, और नप्रभुत्व स्थापित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है आज के समय में, ये बताइए। तो आप ये लिखेंगे, डुहेट का सिद्धांत देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, डुहेट के इस नप्रभुत्व सिद्धांत के को द्वितीय विश्व युद्ध में व्यवहारिकता प्राप्त हुई। मित्र और धुरी दोनों राष्ट्रों ने एक दूसरे के विरुद्ध नप्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया, जैसे जर्मनी के द्वारा ब्रिटेन के विरुद्ध नप्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास। जर्मनी ने क्या किया, ब्रिटेन पर जबरदस्त वायु आक्रमण करके नप्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वह नाकाम रहा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने उतनी ही मुस्तैदी से बैलून बैराजों का और गगनभेदी तोपों का प्रयोग करके जर्मनी का प्रतिरोध किया। यहाँ पर ये सिद्धांत गलत साबित हो गया कि विमानों के विरुद्ध कोई प्रतिरक्षा संभव नहीं है। ब्रिटेन द्वारा जर्मनी के विरुद्ध न प्रभुत्व स्थापित करने का जो प्रयास किया गया उसमें क्या हुआ, ब्रिटेन ने जर्मनी के 60 नगरों पर वायु आक्रमण करके जर्मनी की फाइटिंग स्पिरिट को नष्ट करना चाहा, लेकिन जर्मनी का मनोबल और मजबूत हो गया था। जनता देशभक्ति से भरी हो, ओतप्रोत हो, तो उसका मनोबल बहुत मजबूत होता है, उसको किसी भी प्रकार के युद्ध के द्वारा नष्ट नहीं किया सकता है। मित्र राष्ट्रों द्वारा जापान के विरुद्ध न प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास, जर्मनी के समर्पण के बाद जब जापान आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं हुआ तो मित्र राष्ट्रों ने, मतलब जो भी अमेरिका और रूस ये सब देश थे, ब्रिटेन फ्रांस, वायुयानों से बमबारी करके उसका फाइटिंग स्पिरिट को नष्ट करने की योजना बनाई। जापान पर न प्रभुत्व स्थापित कर लिया गया तो जापान पर न प्रभुत्व स्थापित कर लिया गया लेकिन फिर भी जापान लड़ता रहा। अंत में परमाणु बम गिराकर ही जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया। तो उपर्युक्त उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पूर्ण न प्रभुत्व स्थापित नहीं किया सकता है आज के युग में, तो बिल्कुल नहीं जब इतने प्रकार के मिसाइल सिस्टम्स का आविष्कार हो गया है, ठीक है, और प्रौद्योगिकी और तकनीकी रूप से हम इतने आगे आ गए हैं, ठीक है, कि और अमेरिका की NMD जो नेशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ऐसी प्रणालियों से नप्रभुत्व को स्थापित किया जा सकता है, लेकिन ऐसी प्रणालियों में उपग्रहों का योगदान होता है न कि वायुयानों का। ये डुहेट का सिद्धांत था। अब मिचेल्स के बारे में पढ़ेंगे। मिचेल्स 1879 अमेरिका के लिए लिखा है, इन्होंने सिद्धांत जो अपना लिखा है वायु शक्ति का सिद्धांत। इसने जो है अपना सैनिक जीवन भी अमेरिका से ही, अमेरिकी सेना में प्रारंभ किया।
प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिगेडियर जनरल के साथ साथ हवाई सेना के सहायक चीफ का ही पद इसने संभाला। तो वायुशक्ति का क्या सिद्धांत था इसका? अमेरिका को वायुशक्ति के विकास के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कि अमेरिका वायुशक्ति का विकास करे, इसने वायुशक्ति के महत्व को बताया और अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस क्रम में मिचेस ने वायुशक्ति के महत्व और तत्वों को बताया और उसको बताते हुए वायुशक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने वायुशक्ति के महत्व और तत्वों को इसलिए बताया कि अमेरिका इनको समझे और अपने वायुशक्ति का विकास करे। तो वायुशक्ति की विशेषताएं व महत्व क्या क्या हैं? वायुयान अतुलनीय क्षमता वाले यंत्र हैं, ये शीघ्र आवागमन के साधन हैं, दुनिया के हर कोने में इनकी पहुंच है, कहीं भी पहुंच आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। वायु आक्रमण के विरुद्ध कोई प्रतिरक्षा संभव नहीं है, इस तरह युद्ध जीता जा सकता है अगर एक बार वायु प्रभुत्व स्थापित कर लिया जाए, ठीक है, वायु में नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए, दुश्मन को उठने का मौका ही नहीं होगा, उसको हम नष्ट कर देंगे, क्योंकि वायुयानों के विरुद्ध कोई प्रतिरक्षा संभव नहीं है। ये नौ सैनिक शक्ति को समुद्र में डुबो सकते हैं, देश के आंतरिक भागों में अंदर तक घुस करके सब कुछ नष्ट कर सकते हैं, फाइटिंग स्प्रिट खत्म कर सकते हैं, मनोबल तोड़ सकते हैं, मानसिक विघटन कर सकते हैं शत्रु का। इस तरह भविष्य में वायु आक्रमण की धमकी मात्र से, जब भविष्य में उसका कहना था कि वायु आक्रमण की धमकी मात्र से खेत खलिहानों में काम बंद हो जाएगा, उद्योगों में उत्पादन बंद हो जाएगा, क्योंकि ये इतने विध्वंसक यंत्र हैं कि इनका डर ये सब करवाएगा। वायु शक्ति के तत्व इन्होंने बताया, कच्चा माल होना चाहिए, तकनीकी होनी चाहिए उस देश में, राष्ट्रीय मनोबल होना चाहिए, वायुगम व्यक्ति मतलब पायलट होना चाहिए। उसका कहना था अमेरिका में ये चारों चीज़ें, ये चारों तत्व मौजूद है, अतः वह वायु शक्ति का विकास कर सकता है। इस तरह दोस्तों इसने वायु तत्व वायु शक्ति का महत्व बताया, इसके अलावा इसने ये तत्व ही बताए ताकि अमेरिका आसानी से वायु शक्ति का विकास करे, उसके लिए प्रेरित हो। तो वायु शक्ति का क्या सिद्धांत था इसका? वायु नियंत्रण का सिद्धांत, वायु आक्रमण का लक्ष्य क्या हो, वायु आक्रमण की स्ट्रेटजी क्या हो, वायु शक्ति का संचालन कैसे हो, वायु शक्ति का संगठन क्या हो, और तीनों सेनाओं में समन्वय का सिद्धांत। तो वायु नियंत्रण का सिद्धांत क्या है कि स्वयं उड़ना, दुश्मन को उड़ने न देना, अतः प्रथम प्रहार ही अंतिम प्रहार साबित होगा, क्यों कि वायुयानों के विरुद्ध कोई प्रतिरक्षा संभव नहीं है, एक बार अगर वायु में नियंत्रण स्थापित कर लिया तो दुश्मन को उड़ने का मौका ही न दो, उस पर भीषण बमबारी करके सब कुछ नष्ट कर दो। वायु आक्रमण का लक्ष्य क्या हो, इसका भी कहना था डुहेट की तरह कि जनघनत्व के केंद्रों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को नष्ट कर देना, जिससे जनता का मनोबल टूट जाए और दुश्मन की फाइटिंग स्पिरिट नष्ट हो जाए। बिल्कुल आप जैसे आपको लग रहा हो कि डुहेट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, लगभग सेम है इसका सिद्धांत, थोड़े बहुत जो उसकी डुहेट की कुछ कमियां हैं उसको दूर करते हुए। वायु आक्रमण की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बमबारी करके सब कुछ स्वाहा कर दो, किंतु इस पर ध्यान दीजिए कि रासायनिक बमों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसने रासायनिक बमों के प्रयोग को मनाही की थी कि रासायनिक बमों का प्रयोग नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अमानवीय होते हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो मिचेल का सिद्धांत मानवीय लगता है। वायु शक्ति का संचालन कैसे हो, अमेरिका को अपनी वायु शक्ति का संचालन अलास्का, साइबेरिया और ग्रीनलैंड से होते हुए करना चाहिए, ठीक है, इसने वायु शक्ति का संचालन, चूंकि ये अमेरिका के लिए सिद्धांत दे रहा था, उसको वायु शक्ति के लिए प्रेरित करने के लिए, वायु शक्ति के विकास के लिए प्रेरित करने के लिए सिद्धांत दिया था, इसलिए उसने कहा था अमेरिका को अपनी वायु शक्ति का संचालन करना चाहिए अलास्का से, साइबेरिया से और ग्रीनलैंड होते हुए करना चाहिए। वायु शक्ति का संगठन कैसा हो, इसने कहा वायुसेना में केवल लड़ाकू विमान होने चाहिए, विमान जो होने चाहिए वो तीव्र गति से होने चाहिए, तीव्र गति के विमान होने चाहिए ताकि जल्दी से पहुंच सकें, ठीक है, और सब कुछ नष्ट कर सकें और वापस आ सकें। विमानों में पैरा ट्रूपर्स भी होना चाहिए, इन्होंने विमानों में पैरा ट्रूपर्स की भी बात कही थी, क्यों, क्योंकि ये छद्म युद्ध
के भी इन्होंने छद्म युद्धों के लिए पर्यट उपस की बात कही थी, ठीक है, विशेषकर छद्म युद्धों के लिए, या विमान से आक्रमण करने के बाद उस स्थान पर अगर कब्जा करना है, या वहां पर कोई और अन्य या चिकित्सा सुविधा या अन्य तरह की रसद सामग्रियों की आवश्यकता पड़े, तो पैरा ट्रूपर्स को उतार करके, ठीक है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, इसलिए विमानों में इन्होंने पैरा ट्रूपर्स की ही बात कही। तीनों में सेनाओं में समन्वय की बात इन्होंने भी कही है। तीनों विचारकों ने तीनों सेनाओं में समन्वय की बात कही, लेकिन तीनों सेनाओं में जो वायुसेना है उसको ज़्यादा महत्व तो देना चाहिए, इनका कहना था, और उसकी स्वतंत्र कमान बनाए रखनी चाहिए, और बाकी जो दो सेनाएं हैं उनको सहायक सेना के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इनकी भी सिद्धांत की आलोचना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और ब्रिटेन ने एक दूसरे के विरुद्ध वायु शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन दोनों एक दूसरे की जनता का मनोबल नहीं तोड़ पाए। सेवरेस्की का कहना है कि बिना वायु संग्राम लड़े वायु नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता है। मिचेल्स और डुवेट ने वायु संग्राम पर बल न दे करके, उनका कहना था कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया जाए, ठीक है, जनघनत्व केंद्रों पर बमबारी की जाए तो दुश्मन को हराया जा सकता है, लेकिन सेवरेस्की का कहना था कि बिना वायु संग्राम लड़े वायु नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जनता का मनोबल बहुत मजबूत रहता है, देशभक्ति से उत्प्रोत सेना को इस तरह हराया नहीं जा सकता है, उनका मनोबल नहीं तोड़ा जा सकता है। यह कहना गलत है कि वायु शक्ति के विरुद्ध कोई प्रतिरक्षा नहीं है। गगनभेदी तोपों और मिसाइलों के माध्यम से वायु शक्ति को नष्ट किया जा सकता है आज के समय में, ठीक है, इसलिए प्रासंगिक नहीं है ये बात कि इनके खिलाफ कोई प्रतिरक्षा ही संभव नहीं है। मिचेस और कुछ लोग कहते हैं मिचेस का सिद्धांत डुहेट की नकल प्रतीत होती है ना। महत्व क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में मिचेल्स और डुहेट के नवप्रभुत्व के सिद्धांत को व्यावहारिकता प्राप्त हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में चाहे जर्मनी हो चाहे ब्रिटेन हो, दोनों ने नवप्रभुत्व के सिद्धांत को अपनाया एक दूसरे के खिलाफ। मिचेल्स ने रासायनिक बमों की मनाही की, ठीक है, इस तरह युद्ध को मानवतावादी आधार प्रदान किया। विमानों में पैरा ट्रूपर्स की बात करके इन्हें प्राक्सीवार या छद्म युद्ध के लिए भी उपयोगी बताया। इस प्रकार मिचेल्स का सिद्धांत मौलिक भले न हो लेकिन व्यवहारिक है, व्यवहारिकता के कारण ही इनका सिद्धांत वैश्विक महत्व को प्राप्त हुआ, जबकि डुहेट का सिद्धांत इटली तक ही सीमित रह गया। इन दोनों के सिद्धांतों में अंतर क्या है देख लेते हैं। डुहेट मध्यम गति वाले बहुउद्देशीय विमानों की बात करते हैं, जबकि मिचेल्स तीव्र गति वाले लड़ाकू विमानों की बात करते हैं। विमानों में पैराट्रूपर्स प्रस्तावित नहीं करते हैं डुहेट, जबकि मिचेल्स पैराट्रूपर्स की बात करते हैं और इन्हें छद्म युद्धों के लिए भी आवश्यक बताते हैं। अग्निवर्षा और रासायनिक बमों को गिराने की बात करते हैं डुहेट, जबकि मिचेल्स रासायनिक बमों के गिराने के लिए मनाही करते हैं। इस तरह डुहेट का सिद्धांत अनैतिक और अमानवीय लगता है, जबकि मिचेल्स का सिद्धांत में मानवतावादी आधार है, क्योंकि ये रासायनिक बमों को गिराने की मनाही करता है, प्रयोग को मनाही करता है। इनका सिद्धांत डुहेट का मौलिक है, पहला सिद्धांत था, इनके सामने कोई उदाहरण नहीं था, ठीक है। आगे के जो विचारक थे वायु शक्ति के, ये डुहेट के आधार पर इन्होंने अपना विचार दिया था, जबकि मिचेल्स का सिद्धांत में व्यवहारिकता है। अब सेवरेस्की का नवप्रभुत्व का सिद्धांत पढ़ते हैं। जीवनी इनकी 1894 अमेरिका में, ठीक है, जन्म हुआ इनका। पाठ बिंदु इनका वायु शक्ति का सिद्धांत है ना। वायु शक्ति के सिद्धांत में हम पढ़ते हैं मिचेल्स की तरह सेवरेस्की भी अमेरिका को वायु शक्ति का विकास करने के लिए प्रेरित करते हैं। वायु शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के क्रम में वे वायु शक्ति से विजय, वायु शक्ति से शांति जैसे छोटे छोटे जुमलों का प्रयोग करते हैं, वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, जैसे ताकि जो है जनता इनके प्रति आकर्षित हो और जैसे अमेरिकी जनता को आसानी समझाया जा सके और उसके माध्यम से सरकार पर वायु शक्ति के विकास के लिए दबाव बनाया जा सके। अंततः ये सफल भी होते हैं इस अपने उद्देश्य में। इनके अनुसार वायु शक्ति क्या है? वायुयानों का प्रयोग करके दुश्मन से वह कार्य करवा लेना जो अन्यथा वह नहीं करता, वही वायु शक्ति कहलाता है। सेवरेस्की के अनुसार हमारे पास वायु शक्ति की सुरक्षा का ऐसा पुख्ता इंतजाम होना चाहिए कि यदि दुश्मन उसे तोड़ना भी चाहे तो उसे अपनी संपूर्ण शक्ति को दांव पर लगाना पड़े। वायु शक्ति का सिद्धांत, इन्होंने वायु शक्ति के क्या क्या सिद्धांत दिए?
वायु की सर्वोच्चता, वायु सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया, अर्थात वायु नियंत्रण स्थापित करने के लिए वायु संग्राम लड़ना होगा। इसके पहले डुहेट और मिचेल्स में आपने पढ़ा कि उन्होंने वायु संग्राम लड़ने पर नहीं महत्व दे करके उन्होंने वायु प्रभुत्व को महत्व दिया कि एक बार नपर प्रभुत्व स्थापित कर लें तो भीषण बमबारी करके शत्रु को उड़ने का मौका नहीं देना चाहिए और उसको नष्ट कर देना चाहिए उड़ने से पहले ही। लेकिन इनका कहना था सेवरेस्की का कि वायु नियंत्रण स्थापित करने के लिए वायु संग्राम लड़ना ही होगा, इसके लिए दुश्मन पर संगठित और संकेंद्रित आक्रमण करना होगा, जबकि डुएट और मिचेस वायु नियंत्रण के प्रथम के लिए प्रथम आक्रमण को ही अंतिम आक्रमण साबित होना मानते हैं। वायु आक्रमण का लक्ष्य क्या होना चाहिए? देश, इनका कहना था कि देशभक्ति से भाव से भरी होने के कारण जनता का मनोबल बहुत मजबूत होता है, अतः जनघनत्व के केंद्रों पर आक्रमण करके इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे में हमें औद्योगिक, वित्तीय और सैन्य प्रतिष्ठानों पर आक्रमण करके दुश्मन को संसाधन विहीन बना देना चाहिए, उसे कमजोर कर देना चाहिए, इस तरह उसकी फाइटिंग स्पिरिट को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि शत्रु के मनोबल को, उनकी जनता के मनोबल को तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा भूमंडलीय नियंत्रण का सिद्धांत दिया उन्होंने, अमेरिका को पूरे भूमंडल पर नियंत्रण प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जगह जगह अड्डे बनाने पड़ेंगे, लेकिन भविष्य में जब लंबी परास वाले विमान आ जाएंगे तो ऐसे अड्डों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसका कहना था कि अभी जब तक कम परास वाले जो विमान हैं तब तक अमेरिका को पूरे भूमंडल पर कब्जा करने के लिए, न प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जगह जगह हवाई अड्डे बनाने पड़ेंगे, लेकिन जब भविष्य में लंबी परास वाले विमानों का प्रयोग होने लगा आ जाएंगे तो ऐसे अड्डों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, अमेरिका अपने गृह प्रदेश से ही कहीं पर वायु का आक्रमण कर सकेगा। चौथा, इन्होंने निर्णय क्षेत्र का सिद्धांत दिया। ठीक है, उत्तरी ध्रुव के इन्होंने अमेरिका और रूस के क्षेत्र को उत्तरी ध्रुव पे केंद्रित करते हुए निर्णय क्षेत्र का सिद्धांत दिया था कि यदि अमेरिका के औद्योगिक केंद्र और रूस के औद्योगिक केंद्र के बीच सर्किल खींचा जाए तो जहाँ पे कट करेगा ये, वो निर्णय क्षेत्र होगा वही। ठीक है, यदि रूस और अमेरिका के औद्योगिक केंद्रों से बड़े वृत्त खींचे जाएं तो ये जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे वही कटान बिंदु निर्णय क्षेत्र होगा। अमेरिका को इसी निर्णय क्षेत्र में अपनी सामरिक शक्ति का संकेंद्रण करना चाहिए। ठीक है, सामरिक शक्तियां जो है पूरी इसी निर्णय क्षेत्र में लगानी चाहिए। पांचवा, वायु आक्रमण की स्ट्रेटजी, दुश्मन पर संगठित और संकेंद्रित वायु आक्रमण करना होगा, वायुयानों की संख्यात्मक प्रबलता के माध्यम से दुश्मन को आश्चर्यचकित करना होगा। ठीक है, संख्यात्मक प्रबलता, और ये आपको क्लाजविट का सिद्धांत याद आ रहा होगा, उन्होंने भी संगठित संकेंद्रित आक्रमण और संख्यात्मक प्रबलता के माध्यम से दुश्मन को आश्चर्यचकित करने की बात कही थी। यहाँ पे सेवरेस्की ने उसी स्ट्रेटजी को वायु आक्रमण में अपनाने की बात कही है। इनके अनुसार सुरक्षा घेरा इतना मजबूत बनाना होगा कि यदि दुश्मन इसे तोड़ना भी चाहे तो उसे अपनी पूरी वायु शक्ति को दांव पर लगाना पड़े। तो इस प्रकार से सेवरेस्की स्ट्रेटजी के उन्हीं सिद्धांतों का उल्लेख करते हैं जिस तरह क्लाजविज ने किया था। वायु शक्ति का संगठन कैसा हो? वायु शक्ति में विमानों की संख्या के साथ साथ इनकी गुणवत्ता पर भी विशेष बल देना चाहिए। इन्होंने इसके पहले डुएट और मिचेस ने संख्या और अन्य तत्वों का महत्व इंगित किया था, जबकि सेवरेस्की इसकी गुणवत्ता पर विशेष बल देते हैं। तीनों सेनाओं का समन्वय होना चाहिए, इनका भी कहना था वही कि वायुयानों की एकल कमान बनी रहनी चाहिए, वायुयानों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए और बाकी सेनाओं का भी प्रयोग स्ट्रेटजिक रूप में करना चाहिए। आलोचना, इनका सिद्धांत डुएट और मिचेल्स की निकल है, इसमें कुछ नया नहीं, लोगों का कहना है। सिद्धांत में भविष्यवाणियाँ ही अधिक हैं, लेकिन ये भविष्यवाणियाँ सही साबित नहीं होंगी। क्यों? आज लंबी परास वाले विमान आ चुके हैं, फिर भी राष्ट्र जगह जगह अड्डे बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, इनके सिद्धांत का महत्व क्या है? भले ही इनका सिद्धांत डुएट और मिचेल्स के सिद्धांतों का मिश्रण हो, लेकिन इनके सिद्धांत में दोनों की अपेक्षा व्यावहारिकता अधिक है। ये अपने उद्देश्य में भी सफल रहे, सरल सपाट भाषा में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया इन्होंने, छोटे छोटे जुमलों का प्रयोग किया, वायु शक्ति से शांति, वायु शक्ति से विजय, है ना, ये करके इन्होंने अमेरिकी जनता को प्रेरित करने में कामयाबी पाई। ठीक है, तो ये सिद्धांत हैं।
आज जो है वायु शक्ति का सिद्धांत समाप्त हो गया। ठीक है, धन्यवाद।